अब दोस्तों ऐसी खबर आए और हम आपको नहीं बताएं तो ये बड़ा नाइंसाफी होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंकज सिंह के बारे में। याद है ये चेहरा, इसका नाम पंकज सिंह है और आज से कुछ साल पहले खेसारी लाल यादव की बेटी पे इसने गाना गाया था। गाना गाने का नतीजा ये हुआ कि इसको रेस्टोरेंट पे खेसारी लाल यादव के टीम मेंबर बुला के इसको खूब पीटते हैं और छोड़ देते हैं कि जा जी ले अपनी जिंदगी, पहली गलती है तो ताबड़ मार के छोड़ देते हैं कि जाओ सुधार कर लेना। लेकिन एक साल के बाद ये बंदा फिर से गाना गाता है खेसारी लाल यादव की बेटी पर और खेसारी लाल यादव की टीम वाले कहते हैं कि नहीं नहीं, इस बार तो पक्का इलाज करेंगे इसका, और इलाज भी करते हैं बहुत तगड़ा। राजीव शर्मा के नेतृत्व में हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया जाता है पंकज सिंह को और उनको जेल के अंदर भेज दिया जाता है। जेल के अंदर भेजने के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि गाने में गया है, कोनो हत्या थोड़ी किया है। दो चार दिन, दस दिन, पाँच दिन में छूट के बाहर चलाएगा, फिर बंदा गाना गाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है और कानून का स्ट्रॉन्ग वाली बात यह है कि पंकज सिंह के बेल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। जी हाँ, न्यायाधीश साहब जो है वो कहते हैं कि ना भैया, ना आपको ना छोड़ा जाएगा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में खूब ज्यादा उपद्रव आप मचाए थे, जिसके वजह से लोगों के सामने ये संदेश जाए कि इस तरीके से गाना भविष्य में कोई नहीं गाए। इस वजह से पंकज सिंह के बेल को रिजेक्ट कर दिया न्यायाधीश ने और कहा कि नहीं बाबू, रहो आप जेल में। तो ये थी पूरी अपडेट जो कि हमने सोचा कि आपको बतानी चाहिए। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पंकज सिंह को भी जेल में रहने देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो आज भी गंदा गाने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।